अगली खबर में बात करते हैं शिवपुरी की, जहां शहर में एक ट्रांसपोर्टर साइबर ठगी का शिकार हुआ। ट्रांसपोर्टर को मोबाइल पर अन्य नंबर से आए मैसेज के लिंक दबाना महंगा पड़ गया। लिंक दबाते ही खाते से 60,000 रुपए उड़ गए। अपने साथ हुई साइबर ठगी की शिकायत ट्रांसपोर्टर ने बैंक सहित पुलिस की साइबर शाखा में दर्ज कराई है। शहर के झांसी तिराहा क्षेत्र में स्थित पवन पुत्र लॉजिस्टिक के मालिक भरत सचदेवा ने बताया कि वह बीते 18 नवंबर को 4 बजे के लगभग अपने SBI के खाते की नेट बैंकिंग चालू कर बेनिफिशियल ऐड कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक OTP प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही एक अन्य नंबर से मैसेज आया था और इस मैसेज में लिखा होता है कि आप जल्द बैंक खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर को लिंक कराओ, नहीं तो आपका खाता एक दिन में बंद कर दिया जाएगा। इसी मैसेज में दस्तावेज लिंक करने के लिए एक लिंक भी डली हुई थी। लिंक के जरिए उसने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया, फिर पैन कार्ड को अपलोड कर दिया। इसी दौरान एक OTP आई। जैसे ही OTP दर्ज की तो खाते से 2 बार 9,999 और 49,999 रुपए उड़ गए। भरत सचदेवा ने बताया कि जब उसने बैंक में जाकर संपर्क किया तब उसे पता चला कि वह साइबर क्राइम की ठगी का शिकार हुआ है। बैंक प्रबंधन ने कोई मदद कर पाने से असहयोगिता बताई, तब उसने आज पुलिस की साइबर शाखा में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। नेट बैंकिंग चालू कराई थी तो नेट बैंकिंग चालू करने के दौरान बेनिफिशियरी ऐड कर रहा था तो OTP आ रही थी। OTP आते आते बीच में एकदम मैसेज क्लिक हुआ किसी प्राइवेट नंबर से कि आपकी योनो SBI बैंक में पैन कार्ड नंबर अपडेट कीजिए, नहीं तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। तो पैन कार्ड अपडेट करने के लिए लिंक दबाया तो उसमें से पैसे उड़ गए। कितने? 60,000 रुपये।